नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहेट, सहायक आचार्य संस्कृत। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में चलने वाले नीति शतक अंश के विषय में चर्चा करेंगे। नीति शतक महाकवि भर्तृहरि की रचना है। महाकवि भर्तृहरि एक प्रसिद्ध राजा भी थे और विद्वान भी थे। उन्होंने व्याकरण पर भी अनेक ग्रंथ लिखे और साहित्य में भी ग्रंथ लिखे। साहित्य में उनके तीन रचनाएं हैं जो शतक त्रयम के नाम से प्रसिद्ध है। ये तीनों मुक्तक काव्य संस्कृत जगत में प्रसिद्ध है, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध नीति शतक है। ये तीन शतक है, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। श्रृंगार शतक में श्रृंगारिक पद्यों का संकलन है। वैराग्य शतक में भोग विलासों से ऊपर उठकर जो मन में वैराग्य की भावना आती है, जो हमें निवृत्ति की तरफ उन्मुख करती है, ऐसे पद्यों का संकलन है। नीति शतक जो कि दो शब्दों से बना है, नीति और शतक, इस रचना में अनेकों नैतिक मूल्यों का बड़ा ही सुंदर वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने किया है। नीति शतक एक मुक्तक काव्य है, जैसा कि अभी बताया गया। मुक्तक काव्य पद्य काव्य की वह विधा है जिसके श्लोक अथवा पद्य परस्पर मुक्त होते हैं, यानी एक पद्य के बाद दूसरा पद्य आता है तो पिछले पद्य से उसके घटनाक्रम का कोई संबंध नहीं होता है। एक पद्य अपने आप में अपनी पूरी बात को कह देता है। लेखक को जो कहना है, जो उसका तात्पर्य अर्थ है, वो एक पद्य में पूरा हो जाता है। उसके लिए पूरकता की कोई आवश्यकता नहीं कि उसकी कहानी आगे वाले पद्य में चलेगी, फिर आगे चलेगी, जैसे प्रायः महाकाव्यों में और खंड काव्यों में होता है। वहां एक श्लोक में कोई घटना आ गई, उसके बाद तुरंत उस श्लोक के आगे वाले श्लोक की घटना जुड़ती है, फिर उससे आगे जुड़ती है। लेकिन मुक्तक काव्य में एक ही पद्य अपने आप में संपूर्ण होता है, इसलिए उसको मुक्तक काव्य, मुक्त यानी फ्री, अपने आप में एक पद्य फ्री है, वो सारा मीनिंग कह देता है, इसलिए हम उसको मुक्तक काव्य कहते हैं। नीति शतक जो प्रसिद्ध मुक्तक काव्य है, इसमें महाकवि भर्तृहरि ने अनेक नैतिक बातों का बड़ी ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। जैसे मूर्खों की निंदा है, विद्वानों की प्रशंसा की है, सत्संगति के विषय में कहा है, विद्या के महत्व के विषय में कहा है, कर्म के महत्व के विषय में किया है, राजाओं के विषय में कहा है। तो जो तत्कालीन और आज भी जो महत्वपूर्ण विषय है, जो नैतिक मूल्य है, सज्जनों के विषय में कहा है, सज्जनों में क्या क्या गुण होने चाहिए उनके विषय में कहा है, मौन पराक्रम आदि गुणों को बड़े विशदता से स्पष्ट किया है। तो ऐसे विविध नैतिक मूल्यों और नैतिक बातों का समावेश इस नीति शतक मुक्तक काव्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। नीति शतक रचना का महत्व न केवल पाठ्यक्रम में है, अपितु आगे भी फाइनल ईयर में भी जब निबंध पूछे जाते हैं संस्कृत में, तो बहुत से निबंध ऐसे होते हैं जिनमें उद्धरण हम नीति शतक से दे सकते हैं। जैसे सत्संगति पे निबंध आ गया, तो सत्संगति के जो पद्य नीति शतक में है वो उसके बड़े सुंदर उद्धरण बनते हैं। परोपकार पर निबंध आ गया, तो
परोपकार के लिए जो पद्य नित्य शतक में दिए गए हैं उनको हम आगे फाइनल ईयर में भी प्रयोग में ले सकते हैं। विद्या महत्व पे निबंध आ गया, तो नीति शतक न केवल सेकेंड ईयर के लिए बल्कि आगे आने वाली कक्षाओं के लिए भी, और आगे जो हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे वहाँ भी पद्यांशों में इसको पूछा जाता है, इससे अंश पूछ लिया जाता है। अन्यत्र भी बहुत सारी जगह नीति शतक का महत्व है, तो हम इसका प्रारंभ करते हुए जो सबसे पहला इसमें अंश है मूर्खों की निंदा, उस मूर्खों की निंदा से हम प्रारंभ करेंगे। पहले हम इसका एक श्लोक उच्चारित कर रहे हैं, जो श्लोक है वो नैतिक बातों को वर्तमान युग में और तत्कालिक समय में बहुत कम लोग सुनने वाले होते हैं, जो ज्ञानप्रद बातें हैं उनमें दिलचस्पी बहुत कम लोगों की होती है, इस बात को स्पष्ट किया है कवि ने। श्लोक है, बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवैस्मय दूषितः अबोधो हताश्चान्य जीर्णम मंगे सुभाषितम्। बोद्धारो बुद्धिमान लोग, बुद्धि वाले जो ज्ञान को जानते हैं और जो ये मानते हैं कि हम में बुद्धि है, ऐसे लोग, कवि क्या कह रहा है, मत्सर ग्रस्त, ऐसे लोग ईर्ष्या से ग्रस्त है, उनमें परस्पर ईर्ष्या है, एक दूसरे के मत को वो सुनना नहीं चाहते, किसी की विद्वता से प्रसन्न नहीं होते बल्कि उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसा हम प्रायः देखते भी हैं। तो कवि पहली बात क्या कह रहा है, बोद्धारो मत्सरग्रस्तः, जो बुद्धिमान लोग है वो ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त है, उनको उसमें ही समय नहीं मिलता, उनके मन पे ईर्ष्या ही छाई रहती है। प्रभवस्मय दूषिता, प्रभव प्रभु का बहुवचन है, प्रभु यानी राजा जिसकी चलती है वो प्रभु, तो जो राजा लोग हैं वो कैसे है, स्मय दूषिता, घमंड और अहंकार से दूषित है, उनमें घमंड और अहंकार रहता है क्योंकि वो राजा है, उनके पास राज लक्ष्मी है, वैभव है, ऐश्वर्य है, भोग विलास है, जो वस्तु वो चाहते हैं वो उनको उपलब्ध होती है। तो राजा में क्या दुर्गुण है, घमंड और अहंकार में चूर है। पहली बात कही कि जो बुद्धिमान लोग हैं जो जानते हैं वो ईर्ष्या से ग्रस्त है, जो राजा लोग हैं वो घमंड अथवा अहंकार से ग्रस्त है, वो किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते, वो अपने से ऊपर किसी को मानते ही नहीं। तीसरी बात, अबोधो हताश्चान्य, जो अन्य बच गए हैं, जो शेष रह गए, अर्थात बुद्धिमान और राजाओं के अलावा जो लोग हैं वो अज्ञान से भरे हुए हैं, अबोधोपहता, अबोध अज्ञान से अपहता युक्त है। पहले बुद्धिमान जिनमें ईर्ष्या द्वेष है, दूसरे राजा लोग जो अहंकारी अथवा घमंडी है, जो बच गए वो कुछ जानते नहीं है, वो अज्ञानी है। ऐसी स्थिति में जीर्णम अंगे सुभाषितम, सुभाषित यानी जो अच्छी बातें हैं, जो नैतिक बातें हैं, जो ज्ञान प्रद बातें हैं, जो संदेश देने वाली बातें हैं, वो अंगे जीर्णम, अंग अर्थात शरीर में जीर्णम, जीर्ण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उस वक्ता के शरीर में ही रहकर नष्ट हो जाती है, अर्थात उसको सुनने वाला कोई नहीं है, ना राजा लोग सुनते हैं उसकी बात, बुद्धिमान है वो ईर्ष्या के कारण नहीं सुनते हैं, राजा लोग अहंकार के कारण नहीं सुनते हैं, और शेष बचे हुए उस बात को अज्ञानी होने के कारण समझ नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो सुभाषित वचन है,
वो शरीर में ही जीर्ण हो जाता है। महाकवि भर्तृहरि का अभिप्राय यह है कि सुभाषित अच्छी बातों को सुनने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो इस दूसरे पद्य से वो मूर्ख निंदा प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। अब हम जो मूर्ख निंदा का जो पहला श्लोक है, जो पहला पद्य है, उसको उच्चारित करते हैं। अज्ञ है सुखम आराध्य, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, ज्ञानलव विदुग्धम ब्रह्मापितम नरम नरंजयति। अज्ञ है, न ज्ञ है, ज्ञ यानी जानना, ज्ञ का मतलब जानने वाला, अज्ञ का मतलब नहीं जानने वाला। सुखम आराध्य, उसको आसानी से सुखपूर्वक समझाया जा सकता है। जो अबोध है, अनजान है जो मनुष्य है, उसको सरलता से समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, विशेषज्ञ जो अधिक जानने वाला है, विशिष्ट ज्ञान रखने वाला है, जो अच्छा जानता है, सुखतरम आराध्यते, उसको और अधिक आसानी से, पहले वाले से भी आसानी से उसको समझाया जा सकता है। ज्ञान लवदुर विदग्धम, लेकिन जो अल्पमात्र जानकारी से बुरी तरह ग्रस्त है, यानी थोड़ी सी जानकारी रखता है, उस जानकारी की अकड़ में जो मूर्ख है, तम नरम, उस व्यक्ति को ब्रह्मा अपि नरंजयति, स्वयं ब्रह्मा आकर भी उसको समझा नहीं सकता। अर्थात मूर्ख को समझाना बड़ा दुष्कर कार्य है। जो अनजान है उसको आसानी से समझाया जा सकता है, जो विशेष रूप से जानने वाला है उसको और भी आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन जो थोड़ा जानकर मूर्ख बन बैठा है, पूर्वाग्रही है, जिसका चित्त किसी बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहता, जो हठधर्मिता पे है, ऐसे मूर्खों को ब्रह्मा भी स्वयं आकर भी उनको नहीं समझा सकते। तो ये दो पद्य हम आज नीति शतक की जानकारी, महाकवि भर्तृहरि के विषय में जानकारी, और उनका जो प्रथम प्रकरण है मूर्ख निंदा, उसका हमने प्रारंभ किया।